हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे चैनल टेकअप में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे गैलेक्सी A20s के अंदर क्या VR वॉक सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, ओप्पो, वीवो, रियलमी, इन सारे मॉडल्स पर हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है कि VR वॉक इन मॉडलों में सपोर्ट करता है या नहीं करता है। अभी हम सैमसंग गैलेक्सी में बताने जा रहे हैं। अगर आपको ये सब वीडियो देखनी है तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। हमने VR वॉक की अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, उस पर जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ी है, उनमें भी आप जाके देख सकते हैं। साथ में ही आपको VR Box आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं कंफर्टेबल है, कैसे यूज़ करना है, इन सब पे भी हमने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं VR Box की प्लेट जिसके अंदर हमारा ये मोबाइल लगेगा तो ये कितने सपोर्ट करता है। तो ये 3 से लेकर 6 इंचीज तक सपोर्ट करता है, ऐसा ऑनलाइन पे शो होएगा जब आप इसको परचेज करोगे। लेकिन मैं आपको अभी 6.5 इंचीज इसका स्क्रीन साइज है, मैं इसमें आपको सपोर्ट करके दिखाऊंगा कि लगेगा या नहीं लगेगा। और लगने के बाद में क्या कोई अगर दिक्कत फेस करनी पड़ेगी तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो देखो लगने को तो बहुत ईजिली लग जाता है इसके अंदर, जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा प्लेट के अंदर आ गया है। प्लेट के अंदर आने का मतलब है कि आप VR बॉक्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या आती है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें दिक्कत देखिए कुछ भी नहीं आती है कि अधिकतर मॉडल में आपको ऐसा देखने को मिलता है कि जब आप VR बॉक्स की प्लेट के अंदर लगाते हो तो इसका पावर बटन या वॉल्यूम बटन बार बार प्रेस होने लगता है। लेकिन ये मुझे सैमसंग की काफ़ी अच्छी बात लगती है कि इनका जो पावर बटन और वॉल्यूम बटन होता है ना, वो ऊपर की साइड ज़्यादा होता है। वहीं ओप्पो वीवो में आप देखते हो तो सेंटर में होता है और ये इसमें काफ़ी दिक्कत करता है। तो इसमें आपको ऐसी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, पावर बटन वॉल्यूम बटन आपका प्रेस नहीं होगा, डायरेक्टली आप इसको लगाइए। हाँ, आपको यूज़ करने के लिए इसमें एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी VR बॉक्स वाली, और यूट्यूब पर भी VR बॉक्स मोड ऑन करना पड़ेगा। तो दोनों ही चीज के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उनको देख सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे लाइक की तरह कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।